अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, दिन का रास्ता के चल में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान एयरलाइंस यानी PIA की तरफ से अभी बेहतरीन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं। IT प्रोफेशनल इनको रिक्वायर्ड हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो हम डिस्कस करेंगे उसकी क्या क्राइटेरिया है और इसका जो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मर्द और ख़वातीन यानी दोनों के लिए यहाँ पे बेहतरीन वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की है। ये यानी इनको कराची के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। आपकी एज जो है 38 ईयर्स होनी चाहिए, सारी एडजस्टेशन को मिला के मास्टर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी हायर एजुकेशन होगी रिलेटेड उसके अंदर। आपका 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन फील्ड में आप रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पर मैनेजर IT हार्डवेयर वर्कशॉप, ये भी पोजीशन कराची के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 38 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मास्टर्स या आपकी बैचलर्स होनी चाहिए IT में टेलीकॉम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में। 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे आपका एटलीस्ट आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। दोस्तों, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपका डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा। डिग्री पे जो डेट लिखी होती है, अगर आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, उसके बाद वो जो डेट लिखी हुई है डिग्री पे, उस डेट के बाद से आपने 8 साल जो काम किया होगा वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। उस डिग्री हासिल करने से पहले अगर आपका 10 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो उसका काउंट नहीं। हैंड मैनेजमेंट इन हैंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ ICT हार्डवेयर वर्कशॉप में इन जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर 3 पर है असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क है कराची इस्लामाबाद के लिए पोजिशन थे। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं यहाँ पे 35 ईयर्स आपकी एस्टिमेट है। लास्ट आपकी हुई है मास्टर्स बैचलर डिग्री एजुकेशन आपकी IT सेक्टर में या कंप्यूटर साइंस में। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पोस्ट क्वालिफिकेशन। ERP फंक्शनल एक्सपर्ट है, इसमें कराची इस्लामाबाद दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं यहाँ पे। 35 ईयर्स आपकी एज एजुकेशन है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर होनी चाहिए। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास एजुकेशन सर्टिफिकेशन होगी या ओरिकल के अंदर इन्होंने काम किया होगा SCM या HRM में। उसके बाद ERP टेक्नो फंक्शनल है, इसकी कराची के इस्लामाबाद दुनिया का रिक्वायर्ड है ये पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है इसमें। 35 ईयर्स होनी चाहिए मास्टर्स और बैचलर्स की वही इसमें रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके पास 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक्सपर्ट जी कराची के लिए रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 35 ईयर्स एज है और आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पावर BI डेवलपर ये इस्लामाबाद के लिए वैकेंसी है। नंबर वैकेंसी 1 है यहाँ पे। आपकी 35 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए और इसमें 3 साल की इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कराची और इस्लामाबाद के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। आपकी 35 ईयर्स आपकी एज 35 ईयर्स आपकी सॉरी एज लिमिट है। 3 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। लास्ट पोस्ट है सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कराची की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है लेकिन ये नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इन्होंने अपने एक ऐड के अंदर यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, इनका नोटिफिकेशन आया है कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर को आप 1 ही कंसीडर करें, 3 कंसीडर ना करें। तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ भी सकता है। आपका CVT टेस्ट होगा, टेस्ट में आपका 70% मार्क्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए तभी आप इंटरव्यू के लिए या फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर आ जाना, एप्लीकेशन फॉर्म उनको उनको वहाँ से मिल जाएगा। आपको 2000 रुपीज़ इसकी फीस पे करनी है। HBL बैंक में अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इसमें फीस पे कर सकते हैं। प्रूफ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो आपने फीस जमा करवाई होगी बैंक में, तो बैंक वाले आपको नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर देंगे, ट्रांजेक्शन
पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आप प्रूफ है, आप अपनी एप्लीकेशन के साथ आप भिजवाएंगे और वो जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो आप फॉर्म में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे आप वो नंबर रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म इसकी इसी तरह फिल होगी, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपकी मैट्रिक के या दीकर आपकी क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डोमिसाइल PRC लगेगा, नेशनल IC कार्ड लगेगा, ये आपकी तस्वीरें लगेंगी जो आपकी बैकग्राउंड के साथ होगी, और आप इस एड्रेस पे रिक्वायरमेंट एंड फिल या ये जो आपका कराची का जो ट्रेनिंग सेंटर का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे इनको भेज देंगे। तो इसमें कोशिश है लास्ट डेट से पहले अप्लाई करें, आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं अप्लाई कर दें तो फिर जब लेट पहुँचती है तो वो डिक्लेयर रहती है, मतलब नहीं, कोशिश ये करिएगा कि आपकी कोई ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो या एक्सटर्न ना हो जो रिटायरमेंट में है, वरना आपकी एप्लीकेशन नहीं। तो उसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 25 सितंबर 2023 है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अल्लाह हाफिज़।